हथियार को इसने हाथ में उठा ही लिया। कोर्ट कचहरी जाने से कोई फायदा नहीं है, कोई उपाय ढूंढता हूँ। उपाय से भी कोई फायदा नहीं है। कुछ भी हो, हमारी दुकान खुल जानी चाहिए। बुझी हुई को क्या कहते हैं और उसे मंदिर में क्या कहते हैं, नदी में क्या है जल, और उसे पंडित दे दे तो चरणा मिल। अपन के भेजो का मान गए ना तुम लोग, अगर हम लोग मिल गए तो संघ बनेगा। आज ही हम लोग एक संघ बनाएंगे। बेस्ट आइडिया। हाँ। कल ही हम फुटपाथ व्यापारी संघ आरंभ कर देंगे। अपने बचाव के लिए एक आवेदन पत्र कमिश्नर को देंगे। भैया, इस खुशी के अवसर पर हमारे पहचान की फिल्म की एक्ट्रेस नगीना को हम बुलाएंगे, रूम बुक करेंगे। हाँ? ए, अरे ठहराने के लिए जगह नहीं यार। अरे क्या कहा दिलेर, फिल्म एक्ट्रेस नगीना। हाँ? ना तो सुना ही नहीं है यार। एस रामनाथन की पुरानी फिल्म जमानत में अमिताभ बच्चन के साथ वो छोटी बच्ची काम की थी ना। हाँ? आज वो कली छिटक कर फूल बन गई है। कह रहा है लाखों दिलों की धड़कन, लाखों दिलों की बहार, स्वप्न सुंदरी फिल्म एक्ट्रेस नगीना फुटपाथ व्यापारी संघ के उद्घाटन के लिए पधार रही है। भाइयों और बहनों, इस स्वर्गीय अप्सरा का पुरजोर स्वागत किया जाए। नगीना बेनजीर बेमिसाल तू, चलना मेरी जान संभल के जरा तू। महकते फूलों की खुशबू है, इस दिल को है तेरी ही जुस्तजू। लोग तुझे पूछते हैं अपने दिल में बसा के, लेडी सुपरस्टार सारी का की सीट पे बिठा के। जो भी देखा तूने वो कमाल है खुदा का, इन सुर्खियों के सामने कर छोड़ ये गुलाब क्या। मेरी जा संभल के जरा तू। तेरे छूते ही आम के दाम बढ़ गए, अरे तौबा जवान है हम तो मर गए। अरे तू दुल्हा जवान है, आम दाम है, अरे मुझे नहीं थी खबर हाल तेरा ये होगा। बस ये जवानी का ये जाम दिखा दिखा के, इसलिए तो आज ओबामा भी तेरा दास है। हाँ वो मेरा दास है। और जो भी देखा तूने वो कमाल है खुदा का, इन सुर्ख लब के सामने अरे जो भी ये गुलाब क्या। अरे जो भी देखा तूने वो कमाल है खुदा का, इन सुर्ख लब के सामने अरे जो भी ये गुलाब क्या। नगीना 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 बेनजीर बेमिसाल तू। जुल्फों से खेल सदा मैं की हवाएं, मस्त जवानी की रंग से रंग गए हैं। अरे हर नजर में प्यार नहीं, प्यास है जानना, जोश खो के होश में नहीं है हर कोई मानना। अरे हर नजर में प्यार भी है, बेरुखी भी है, थोड़ा थोड़ा होश भी है तो बेखुदी भी है, माना बेखुदी है। जो भी देखा तूने वो कमाल है खुदा का, इन सुर्ख लब के सामने अरे छोटी है गुलाब क्या। I'm gonna be
किससे पूछ के फैसला लिया? किससे पूछना है? मैंने सुना है कि आपकी दूसरी पत्नी इस घर में आ रही है। अरे तो अच्छी बात है। ए, तुम्हारा रिश्ता तय करने वाला हूँ उससे। नुक्कड़ पे एक लड़की के साथ नाच रहे थे और यहाँ जबान लड़ा रहा है। फंक्शन था इसलिए मस्ती में अपन ने नाचा। पिताजी सोच लीजिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी का सवाल है इसलिए ऐसा किया मैंने। कुछ बोलूं क्या? बोलिए। अपन के भरोसे अपन को लड़की देने वाला कौन है ये बताइए। तेरे भरोसे नहीं, मेरे भरोसे रिश्ता तय हुआ है। अरे अरे आपके भरोसे क्या? अरे अपन को लगता है वो आपके भी बाप होंगे। कूड़ा का रिसर्च वाला बेटे, आजकल हम कूड़ा डस्टबिन में ही डालते हैं। बाहर का कूड़ा इधर लाके मत डालना। बगल में एक नया बंगला है, वहाँ जाके डाल। सर 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 फ्रूट सर। फ्रूट क्या? कम इन कम। साला लालची, आपके गले में पट्टी कैसी सर? ये तेरे लिए रुकावट है ना, चलो निकाल देते हैं। सर आपका तो जवाब ही नहीं। किस लिए? मेरे कहे मुताबिक आपने कूड़ों को अलग अलग करके बांट दिए हैं सर। वो तो पहले से ही थे बेटे, मैंने जो भूल के एक बेटी पैदा की है ना। मनुष्य कोई भी चीज सही जगह पे नहीं रखती है। इंडोर का काम भी ठीक से नहीं करती है और आउटडोर का काम भी ठीक से नहीं करती है। तुम मुद्दे पे आओ। अच्छा सुनने में आया कि टीएस साहब ने आपकी बेटी का हाथ मांगा है। उस बूढ़े को कौन बेटी देगा, उसके बेटे के लिए देने के लिए कहा था। हाँ, बेटे के लिए ही ना। आपने उसे देखा है ना ही आपकी बेटी ने, फिर कैसे राजी हो गए? मैंने उनके बारे में पूछताछ की। अच्छा, बहुत अच्छे इंसान है ऐसा सुना। पेड़ अच्छा होगा तो फ्रूट भी अच्छे ही होंगे ना। इस भरोसे मैंने मान लिया। सर आप तो शरीफ हैं। सो तो है। तो आपकी बेटी भी शरीफ होंगी ना। ये कहावत आप ही ने कही है। वो क्या है कि बेटे ये जरूरी नहीं कि बेटा अच्छा हो, इसलिए भूल जाइए उसे। आप उसे पसंद नहीं करेंगे। पसंद करूं या फिर ना करूं, ये बोलने वाले तुम कौन हो? सर दरअसल वो लड़का मैं ही हूं। तो बात ये है तुम पहले से मुझे ना पसंद हो। यही तो अपन पहले से बोल रहा था। अच्छा ये बात है, आ गई। क्या पप्पा क्या गोलगप्पा। ये झांसी की रानी कौन है? वही हेडेक, नो रिलीफ। ओ सर सोच के आगे बढ़िए, मेरी जिंदगी का सवाल है। ठीक है काम करते हैं। तुम पिताजी से कहो कि एक अच्छी कन्या ढूंढे तुम्हारे लिए और मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर। जो मैचिंग कुटुंब में ही स्क्रैचिंग होती है। तुम दोनों तो राहुल और केतु हो। अपन चलता है सर। फ्रूट्स? नहीं सर आप ही रख लीजिए। थैंक यू सर। अपन ने अपन की बुराई की, ऐसा अपन के बाप से मत बोलना। क्यों? भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छे इंसान है। लेकिन तुम्हारी परवरिश अच्छे से नहीं की ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ वो आप जैसे अच्छे इंसान है। नमस्ते साहब, अपन चलता है। ठीक है, सलाम तो ठीक से कर रहा है लेकिन लगाम नहीं छोड़ रहा है। ऊपर से कह रहा था माँ क्या हुआ? मेरे और पापा के बीच हजार मतभेद हो, इसका मतलब ये नहीं कि हर आने जाने वाले से मेरी बुराई करें। कौन था वो? उससे तुम्हारा रिश्ता तय होने वाला है। मेरा रिश्ता? हाँ बेटी। अरे रे मुझे वो पसंद नहीं, आप मना कर दो। ये तो उसने पहले से कह दिया। इसके आगे मैं क्या कहूँ? उसने ऐसा कहा, अब क्या करूँ? वो लड़की का हाथ नहीं देंगे। क्यों बोला? वचन का हमेशा पक्का रहना चाहिए। बेशक। उस लड़की की शादी कभी नहीं होगी। पिताजी ये क्या बोल रहे हैं? हमारे संबंध को तोड़ा है उसने, उसकी बेटी की शादी कैसे होगी? तो बेचारी क्या करेगी? मठवासिनी बनेगी। वो हिंदू लड़की है तो मीरा की तरह किसी मंदिर में जाकर भजन गाने के लिए बोलो। मतलब मेरी शादी होगी नहीं? दूसरा उपाय देता हूँ। दूसरा उपाय? स्वामी 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 स्वामी। पिताजी ये क्या दूसरा उपाय है कहकर आपने माला पहन लिया? सारा काम बिना रुकावट के हो जाए इसलिए माला पहना हूँ। पिताजी जवानी में आप नास्तिक थे क्योंकि आपके खून गर्म थे उन दोनों में, अब बुढ़ापे में जब खून ठंडा हो गया तो आप माला पहनकर स्वामी जी बन गए। ए, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, फिलहाल मैं माला पहना हूँ, तुम मुझे स्वामी करके बुलाओगे? मैं नहीं बुलाऊंगा। क्यों? 25 साल से आपको पिताजी बुला रहा हूँ, अब स्वामी जी कैसे बुलाऊंगा? ए, ये दिल लगी मस्करी वगैरह छोड़ो, ये ईश्वर का मामला है, चलो मेरे साथ। पिताजी क्या पिताजी? कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए ईश्वर को भी पटाना पड़ता है। आजकल आप कुछ ज्यादा ही भक्ति दिखा रहे हैं। सीधे जाओ। सीधे? अपना घर तो लेफ्ट में है। मैं जानता हूँ, तुम सीधे जाओ। सुनिए पिताजी, मंदिर से सीधे घर जाना चाहिए ना कि कहीं और। ए, बात मत कर, सीधे जाओ। सीधे जाएंगे तो आनी मेरे का बारी आएगा, स्वामियों के लिए अलग से क्लास भी है। क्या लोग इस हद तक गिर गए बेटे? गिरे नहीं, विकास बोलिए। हाँ जगह आ गई, रोको रोको। यहाँ? यहाँ क्यों रोकने के लिए बोल रहे हैं? इसके पीछे भी कारण है, उतरो। आखिर बात क्या है बोलिए ना पिताजी। सब अच्छे के लिए है बेटे, आ जाओ। कैसी है?